चिमंकल में सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा। बीजेपी ने आज राज्य भर में खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर धरने और घेराव का ऐलान किया है। इस बीच टीएमसी ने बीजेपी पर पुलिस का मनोबल तोड़ने की साजिश करने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी ने एक बार फिर दावा किया है कि ममता सरकार में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। तो हुज्जत मजे बधाने के लिए और जाएगा बाहर से दो ईटा मारेगा, जैसे कि पुलिस लोगों को जो मॉरल है उसको तोड़ दो, उसको डिमोरलाइज कर दो। और वो चाहते हैं कि हमारा पुलिस ऑल टाइम ट्रिगर हैप्पी हो जाए, जैसा सीपीएम का जमाना में था। हम लोग जो हैं पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी को हम अपनी रिपोर्ट देंगे और पार्टी का हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है, और ये वरिष्ठ ने पार्टी का मामला नहीं है किसी जगह राष्ट्रपति शासन लगाना या न लगाना, ये सरकार का काम है। इस सरकार इस पर विचार मंथन करेंगे, वो जो सही निर्णय होगा वो समुचित निर्णय नहीं। दिल्ली और नोएडा में गाड़ियों की पार्किंग एक बड़ी परेशानी है। खासतौर पर शनिवार और रविवार को घूमने निकलने वालों के लिए पार्किंग ढूंढना किसी मुसीबत से कम नहीं, लेकिन अब इस परेशानी को घर बैठे दूर किया जा सकता है। news18.com की रिपोर्ट के मुताबिक पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए एक ऐप तैयार किया जा रहा है, जिससे शहर के सभी अंडरग्राउंड, मल्टीलेयर, सर्विस और मॉल की पार्किंग को जोड़ा जाएगा और फिर ऐप के जरिए आप अपने पार्किंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स पार्किंग स्लॉट बुकिंग के बाद ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि ये सुविधा छोटे पार्किंग स्लॉट के लिए नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2020 तक इस ऐप को तैयार कर लिया जाएगा। बिहार के वैशाली में चमकी बुखार से निजात पाने के लिए लोग अब अपने घरों में विशेष हवन करवा रहे हैं। दावा किया गया कि हवन से निकलने वाले धुएं से चमकी बुखार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। बिहार में चमकी बुखार से 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जिससे अपने बच्चों को बचाने के लिए लोग अपने घरों में विशेष हवन और यज्ञ करवाते दिखाई दिए। यही नहीं, हवन करवाने के लिए खास तौर पर हरिद्वार से पंडित आए हैं, जो घर के दरवाजे के पास हवन कराते नजर आए। एक घर में हवन के समय पंडित वहाँ मौजूद लोगों को धुआं सूंघने की बात कहते सुनाई दिए। सुनिए, पहले खूब जितना सूंघ सकते हैं उतना सुनिए। यही नहीं, पंडित के कहने पर वहाँ मौजूद लोग हवन की राख को माथे और गले पर लगाते दिखाई दिए। इस बीच हरिद्वार से आए पंडित मंत्रोच्चार करते रहे। पंडित ने दावा किया कि हवन से निकलने वाला धुआं जहां तक जाएगा वहां तक इंसेफ्लाइटिस का वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस हवन के करने से ये धुआं जो अंतरिक्ष में जाएगी तो चमकी रोग के जो भी बैक्टीरिया है उसका विनाश होगा। दिल्ली के शादरा में जश्न के समय फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो एक शादी समारोह का है जिसमें कुछ लोग पिस्टल लेकर पहुंचे थे। इस बीच उनमें एक आदमी खुलेआम सड़क पर फायरिंग करने लगा, वहीं उसके साथ खड़ा दूसरा आदमी फोटो खिंचवा रहा था। इसके बाद वो लोग हाथों में पिस्टल लेकर संगीत की धुन पर डांस करने लगे। इस बीच एक आदमी पिस्टल लहराता नजर आया। डांस करने के बाद उन लोगों ने अपने पिस्टल खाने के टेबल पर रख दिए और उसके साथ फोटो भी खिंचवाई।